कृष्ण और राधा की प्रेम कहानी अधूरी रहकर भी पूरी हो गई। प्यार के ये दो पंछी दूर होकर भी एक दूसरे से जुड़े रहे, तभी तो आज इनकी पूजा, इनकी आराधना एक दूसरे के बिना अधूरी है। नाम इन दोनों का साथ ही लिया जाता है। राधा की मृत्यु पर किस तरह से कान्हा ने अपनी बांसुरी तोड़ी, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। तो ऐसे में आज अपनी इस खास रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे, जब कान्हा अपने कर्तव्यों का पालन करने हेतु चले गए थे राधा को छोड़कर, उसके बाद किस शख्स से राधा की शादी हुई, किसके साथ राधा ने दाम्पत्य जीवन की शुरुआत की। पौराणिक ग्रंथों की माने तो राधा, जिसे साक्षात माँ लक्ष्मी का अवतार कहा जाता है, उनकी शादी अभिमन्यु नाम के एक शख्स से हुई थी। जावत नाम के गांव में एक गोपी रहती थी जिसका नाम जतिला था। इसी जतिला के पुत्र अभिमन्यु से राधा का विवाह हुआ। कहते हैं राधा और अभिमन्यु शादी के बंधन में तो बंध गए, मगर बावजूद इसके योग माया के प्रभाव के कारण अभिमन्यु राधा की परछाई तक को कभी नहीं छू पाया। अब इन बातों में कितनी सच्चाई है, इसे लेकर संदेह तो हमेशा ही लोगों को होता आया है। लेकिन ऐसे में आपको हम ये बता दें, आज भी जावट गांव में जटिला जी की हवेली है और जटिला, कुटिला और अभिमन्यु का मंदिर यहाँ पर है। आपको बता दें, राधा जिन्हें लेकर कहा जाता है कि जब वो अपने दाम्पत्य जीवन को पूरे तरीके से जी चुकी थी, तब राधा के मन में ख्याल सिर्फ और सिर्फ अपने कान्हा का आया। राधा कान्हा से दूर होकर भी कभी उनसे अलग नहीं हुई। राधा के मन में हमेशा ख्याल कान्हा का आता गया। राधा को बार बार कान्हा के प्रति एक प्रभाव अपनी ओर खींचता गया, और इसी तरीके से किसी और के साथ प्यार के बंधन में राधा कभी नहीं बंध पाई। शादी के धागे में तो राधा अभिमन्यु के साथ बंध गई, मगर दिल में राधा के हमेशा कान्हा ही बसे रहे। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।